हरियाणा का मेवात दुल्हन की तरह सजा, सजे बाजार, घर इत्यादि भी सजे। दीपावली के पर्व पर चारों तरफ सजावट में खुशियां देखने को मिल रही हैं। वैसे तो दीपावली का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन हरियाणा के नुह मेवात में दीपावली का खास महत्व है। इस जिले में तकरीबन 70-80% मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, लेकिन इस जिले का आपसी भाईचारा सदियों से अटूट व मिसाल कायम रहता है। लेकिन करीब 2 साल पहले शोभा यात्रा के दौरान नुह में हिंसा हो गई थी, जिसके बाद इस इलाके पर आपसी भाईचारे को खराब करने का कलंक लगा था। लेकिन इस इलाके के लोगों ने समझ बूझ सूझबूझ के काम लिया और बहुत जल्दी ही आपसी भाईचारे को बहाल कर लिया। वहीं भाईचारा अब बड़े पर्वों पर देखने को मिल रहा है। ईद हो या फिर दिवाली हो, सभी समुदाय के लोग आपस में इन त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। बाजारों में खास रौनक देखने को मिल रही है, मिठाइयों की दुकानें सजी हुई हैं। इसके अलावा घरों पर रंग बिरंगी लाइट लगाई हुई हैं। कई शहरों में स्ट्रीट लाइट व तिरंगा लाइट लगाकर शहर की शोभा को बढ़ाया गया है। इसके अलावा आतिशबाजी की दुकान हो या फिर परचून की दुकान हो, सभी जगह अलग अलग ही रौनक दिखाई दे रही है। घरों का रंग रोगन कराकर चकाचौंध किया गया। महिलाएं बच्चे सभी नए कपड़ों में नजर आए। हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की खुशियों में शामिल हुए और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर और बधाइयाँ देकर गले मिलकर आपसी भाईचारे को प्रगाढ़ करने का काम कर रहे हैं। बता दें, विजयदशमी का दीपावली का बहुत ही पर्व बड़ा होता है। घरों के बाहर चाइनीज या मिट्टी के दिए जलाकर घरों को रोशन करने का काम किया जाता है, ताकि घरों में खुशहाली आ सके। दीपावली के पर्व पर विशेष पूजा अर्चना भी होती है, इसलिए मंदिरों से लेकर घरों तक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। कुछ आपको बता दें, दीपावली पर्व के अलावा धनतेरस से भैयातोज जैसे कई त्यौहार इस समय सीजन चल रहा है। कुछ त्यौहार जैसे धनतेरस पर लोग मना चुके हैं तो कुछ लोग मनाने जा रहे हैं। ज्वेलर्स की दुकान पर अच्छी खासी भीड़ इन दिनों में देखने को मिलती है। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं में भी गजब का उत्साह देखने को मिला। कुल मिलाकर इस बार की दीपावली खास रहने वाली है। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के पुलिस विभाग ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां देखने व सुनने को मिल रही हैं। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। आज दीपावली का त्यौहार है, मेवात क्षेत्र में किस तरह से मनाया जाता है, क्या यहाँ पे खासियत है, त्यौहारों को लेकर क्या कहना है? देखिए भाई लियाकत, माशाल्लाह हमारे ये इलाका पूरी पूरे मुल्क में जो है ये जाना जाता है प्यार मोहब्बत के लिए। हमारे यहाँ अक्सरियत मुस्लिमों की है और अक्सरियत मुस्लिमों के होने के बावजूद हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को कोई परेशानी नहीं होती उनके त्यौहार मनाने में, चाहे दीपावली का त्यौहार हो या होली का हो या कोई और भी हो। मुस्तकिल इनके जो है जुलूस वगैरह निकलते हैं या जिस तरह भी जो है हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के त्यौहार हैं वो मनाते हैं अपने, हमारी तरफ से उन्हें कोई परेशानी नहीं होती और बड़े प्यार मोहब्बत से सब रहते हैं यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान है, अल्लाह ने ये खित्ता पूरे मुल्क में बड़ा अमनो सलामती का बनाया है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शत्रुघ्न प्रसाद पांडे। जी आज दीपावली है, किस तरह से मनाते हैं, क्या इसका महत्व है? जी, आज दीपावली का तो त्यौहार बहुत बड़ा हम लोगों के हिंदू धर्म में, दीपावली है, होली है ना, दशहरा है, कई त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आज के दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके ना अपने गृह घर में आए थे, पुनः वापिस आए थे, और आज के दिन खूब माता कौशल्या नहीं सारे अयोध्यावासी देशवासी बड़े धूमधाम से इसका त्यौहार मनाएंगे। आज तो बहुत पता नहीं कि आज कितने लाखों दीपक जलाए जाएंगे कि कोई गिनती ना है, और बड़े धूमधाम से मिठाई है, पकवान है, बढ़िया भोजन प्रसाद सबको दिया जाएगा और हर वर्ष ये त्योहार मनाते हैं। आपकी तो हो सके कि 22 जनवरी को भी
दोबारा दीपावली मनाई जाए। राम की स्थापना ना हुई थी रामचंद्र जी की, इसलिए हो सकता है कि 22 जनवरी को भी पुनः दीपावली मनाई जाए ऐसे जैसे आज मनाई जाएगी। जी तो किस तरह से जैसे मेवात चलाता है, किस तरह से यहाँ भाईचारा है, किस तरह से दीपावली मनाते हैं? ना यहाँ तो कोई ऐसे भेदभाव ज़्यादा नहीं है, यहाँ कोई इतना बड़ा भेदभाव नहीं है। जैसे कि हम मुस्लिम इलाके में तो रह रहे हैं, मेवात तो कहते हैं, लेकिन ऐसा अनुभव नहीं होता है कि मेवात है। मिलजुल कर मनाते, अरे भाईचारा बढ़िया मिलजुल कर, वो भी आमे हम भी जामे एक दूसरे के घर, ऐसी बात ना है। और कोई भंडारा भी करे ना, कोई तीर्थ त्योहार मनाए तो भी मंदिर आते हैं, ऐसी बात ना है। हम तो एक दूसरे से मिल पट के ही रहे और रहते हैं, ऐसी बात ना है। परशुराम एडवोकेट है। एडवोकेट साहब, दीपावली पर्व की हम बात करें तो यहाँ पर किस तरह से मनाया जाता है, मुस्लिम इलाका है, क्या यहाँ पे मिलजुल रहे हैं, क्या करें? अली साहब, सबसे पहले तो आपको दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और जहाँ तक दोनों समुदाय की बात है, हमारा गांव दोनों समुदायों का गांव है और बहुत प्यार से वर्षों से ही हमारे पूर्वजों के टाइम से ये रीति रिवाज चले आ रहे हैं कि हम दोनों समुदाय एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बड़े प्यार से सौहार्द के साथ में दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। जिस तरह से गाँव की हम बात करें तो ये जो है ऐतिहासिक गाँव है, अली साहब ऐतिहासिक गाँव है। ऐतिहासिक गाँव की मिसाल ये है कि इस गाँव में दोनों समुदाय 36 बिरादरी मिलकर के दोनों जब भी कोई त्यौहार आता है, चाहे कोई मुहर्रम का आता हो या ईद आती हो या दीपावली आती हो, हम लोग मिलकर के एक दूसरे की भावनाओं कदर करके और त्यौहार मनाते हैं बड़े भाईचारे के साथ, अमन के साथ। दीन मोहम्मद, ये दीपावली का त्यौहार है, किस तरह से यहाँ पे मनाया जाता है, क्या खासियत है? यहाँ हमारे यहाँ दोनों समुदाय है, चाहे हिस्से के वो भी हैं, हम भी हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं और इकट्ठे बैठ कर त्यौहार मनाते हैं। हम बाजार में सबके घर सजे हुए हैं, सबकी जो तैयारी चल रही है बढ़िया, सब काम में उताई उताई चल रही है, सब चीज चल रही है। किस तरह की रौनक यहाँ पे देखने को मिलेगी? रौनक बहुत मिल रही है, आप गाँव गाँव में रौनक मिलेगी आपको।